हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक विष्णु। हमारा जो एपिसोड है हथाई कार्यक्रम, जिसके स्पॉन्सर है JINC जोधपुर, ये मैंने इंडिया से शुरू किया था और आपको कहा था कि इसको अफ्रीका तक जाएंगे तब इसको बैनर को लेके जाएंगे और यही हमारा बैनर होगा। जो भी वर्ल्ड वाइड हमारी ट्रेवल होगी, जिस कंट्री में भी जाएंगे, हम यही लेके जाएंगे। और हमारा जो एज ए स्लोगन है, सिर साटे रोग रहे तो भी सस्तो जान, 87 इज मोर प्रीशियस इवन एट द कॉस्ट ऑफ द हेड। इसको हिंदी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अरबी में लिखा हुआ है और फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा है। क्योंकि हम वर्ल्ड वाइड जाएंगे तो अलग अलग लोगों से लिखेंगे, अलग अलग मतलब एरिया के लोगों से मिलेंगे, तो जायज है, जरूरी है उस चीज़ को वहाँ के लिए समझे, मतलब ज़्यादा नहीं तो एक स्लोगन से उसको समझे। आज हम यहाँ पर अफ्रीका केनिया आए हुए हैं और नैरोबी शहर में रुके हैं। यहाँ पर हमारे इंडिया के जामनगर के निवासी हैं, उनसे हम बात करेंगे, पेड़ पौधे, पर्यावरण और यहाँ का कल्चर कैसा है और यहाँ के ये कितने सालों से रह रहे हैं और यहाँ की जो कुछ मतलब संस्कृति वगैरह है कैसे है, उस चीज़ में हम आपसे करेंगे। कि आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे एपिसोड के कार्यक्रम में। जी, आपका नाम? मुकेश। मुकेश जी, आप वैसे कहाँ से बिलोंग करते हो? हम जामनगर से बिलोंग करते हैं। जामनगर से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आप कितने साल से हैं यहाँ? मेरे को इधर 33 साल हो गए। तो 33 साल हो गए यहाँ पर, काफी मतलब आपको तो यहाँ के की जो नागरिकता है वो मिल गई होगी। पर्यावरण की जैसे अपन देखे, अब मैंने यहाँ पर आप 33 साल से हैं और आज 2020 इस 2023 है, तो इस बीच के अंदर यहाँ पर आपने जो मौसम का बदलाव है, क्लाइमेट चेंज को लेकर के क्या परिवर्तन देखा? जब मैं इधर आया था 89 में, तभी के पहले इधर बारिश की मौसम 2 टाइम होती है, दो टाइम अपना मार्च अप्रैल में 3 महीना होता है और जून अगस्त अक्टूबर नवंबर 2 महीना होता है बारिश के सीजन, और जून जुलाई होती है, जून जुलाई अगस्त सर्दी रहती है। वो मतलब इसमें अभी क्या है कि अब जैसे हम इंडिया में, आप यहाँ रहते हो, तो इंडिया में क्या है कि पहले जब जैसे मैं वेस्ट राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो पहले क्या होती थी कि जब वहाँ पर बरसात होती थी तो मतलब कहीं पर भी जो बादलों में बिजली चमकती है, हम सोने से पहले कभी 8 बजी है बिजली चमक रही है, तो वो क्या है कि 3-4 घंटों में मतलब 100-250 किलोमीटर दूर से वो बारिश आ जाती थी और हमारा एरिया, हमारा क्या आगे की एरिया कवर करके और जाती थी। और अभी वहां पर ऐसा हो गया कि जैसे अभी बारिश हुई और उसकी मतलब 50-60 किलोमीटर की उसकी रेंज होती है, मतलब उससे पहले बड़बड़ा करके बारिश होकर खत्म हो जाती है। और उसके बाद में ये भी होता है जैसे बादल भरे, मतलब बारिश होकर के थोड़ी देर में आया, थोड़ी देर में चला गया, मतलब इतना क्या है कि क्लाइमेट थोड़ा बहुत चेंज हो गया। और जो खेजड़ी वृक्ष है उसमें क्या है कि पहले सांगरी लगती थी, तो वो क्या है कि बहुत ही अधिक लगती थी, ज्यादा, अब वो भी हो गई है कम। तो ऐसा नहीं है कि पहले यहाँ पर जो सर्दी ज्यादा थी या गर्मी ज्यादा थी, अब उसमें परिवर्तन आया, ऐसा कुछ हो? पहले सर्दी ज्यादा थी, अभी क्या है, अभी एकदम क्लाइमेट चेंज हो गया है। पहले इतनी गर्मी नहीं थी, पंखे की जरूरत भी नहीं थी। अच्छा, मतलब इस किसी तरह की का गर्मी हाँ ओके। पंखे की भी जरूरत नहीं थी और सुबह में उठो तो धूप निकलता है, फिर दोपहर होता है तो बारिश आती है, अपना ठंड रहती है सुबह में, दोपहर को धूप होता है, फिर 2 आड़े बचता है तो बारिश होती है, रोज बारिश आना आना नहीं है एक बार। तो अच्छा, अभी क्लाइमेट इतना चेंज हो गया है कि बारिश भी कम हो गई है अच्छा, और दुष्कर्म भी हो रहा है। तो यह जो समस्या उत्पन्न हुई है, आप इसको मतलब जिम्मेदार कौन है इसके? जिम्मेदार तो अभी जो फॉरेस्ट कट रहा है, इधर भी कट रहा है फॉरेस्ट, तो अभी ग्लोबल क्लाइमेट के हिसाब से सब चेंज ही हो रहा है, पूरा चेंज हो गया है। पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी इधर बिल्कुल, अभी गर्मी पड़ती है तो अपन नैरोबी की जो गर्मी है ना, अपनी स्किन जलाती है, तो
इतना टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो आपको क्या यू नो समथिंग इंसिडेंट हैपेंड इन इंडिया इन 1730 अभी 1730 के अंदर जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव में जो चिपको आंदोलन हुआ था उसके बारे में आपने कभी सुना? नहीं, कभी नहीं सुना। अब जैसे हम आए यहाँ आपको बताया कराया तो आप बताए तो पता चल बाकी हम तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि इतनी घटना हो गई थी आज से इतने साल पहले मतलब पहले तो आज के जो जनरेशन है आज का तो टाइम है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या क्या है आज लोग सबको पढ़ लिख के सब बच्चे लोग बाहर चले जाते हैं कोई इधर रहने को तैयार नहीं है बाहर पढ़ने को जाते हैं कोई वापस आने को तैयार नहीं है। अच्छा सब उधर ही रुक जाते हैं लंदन जाते हैं ऑस्ट्रेलिया जाते हैं न्यूजीलैंड जाते हैं अमेरिका जाते हैं कनाडा जाते हैं जो आना चाहते हैं वो आ जाते हैं नहीं आना चाहते हो तो उधर ही रह जाते हैं क्योंकि अभी पहले हम हमारी कम्युनिटी की इधर 16-17 हज़ार था पब्लिक नैरोबी में 13-14 हज़ार ओलोर केनिया में 22-23 हज़ार थी अभी 12-15 हज़ार ही बाकी रह गए सब चले गए लेकिन ये क्लाइमेट तो वहां पर भी नहीं छोड़ने वाला नहीं क्लाइमेट तो किधर भी नहीं अब जैसे अमेरिका में बैंकर तूफान आ रहा है लंदन में आए साल इतनी गर्मी पड़ी थी अभी बारिश वो भी उधर भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आपको हिसाब से क्या लगना चाहिए देखो कि यहाँ पर केनिया के अंदर हमने देखा है कि भाई ट्री प्लांटेशन और वगैरह गवर्नमेंट वगैरह बहुत सारी अवेयरनेस भी है सवार नहीं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई इस चीज़ के लिए इतने साल पहले पीपल ने लोगों ने सेक्रीफिस दिया था तो उस हिसाब से मतलब इतना इम्पोर्टेंस जो ट्री प्लांटेशन का है तो हर मनुष्य को पेड़ पौधे लगाना चाहिए इधर भी होता है सब पौधे लगाने जाते हैं कुछ लोग आरएसएस वाले है फिर दूसरी कम्युनिटी वाले बहुत लोग पौधा लगाने जाते हैं। अच्छा तो मतलब यदि हमको इस चीज को यदि बाय क्लाइमेट क्योंकि ट्री का जो एक जो पेड़ है वो बनने में 20-25 साल में काफी बड़ा होता है और काटने में 5 मिनट लगता है तो उस हिसाब से ये जो जनरेशन अब 30 साल के अंदर इतना परिवर्तन आया सोचिए आने वाले 50 साल में कितना आ जाएगा। आने वाले 50 साल में तो मेरे ख्याल से पानी पीने को भी नहीं मिलेगा इतना गर्मी पड़ेगा। तो हमें लगता है कि जिन लोगों ने इनके लिए जो भाई सर कटा लिए थे बलिदान तो उनसे प्रेरणा लेकर के हम जो लोग यहाँ के जो नहीं जानते हैं उनको उनका एग्जाम्पल दे करके हम उसको वो क्या है कि उनको प्रेरित कर सकते हैं कर सकते हैं क्योंकि आज अपन इधर हमारे पहले थे पानी आता था 24 घंटे अभी हमको 24 घंटे पानी नहीं मिल रहा है वीक में पहले कोई कोई एरिया में तो पानी आता ही नहीं हफ्ते में एक बार दो बार आता है अच्छा तो भर के रखना पड़ता है पहले इधर बोर वोल बिल्कुल नहीं डालते थे अच्छा अभी सब जगह पे बोर वोल डालने लगे अच्छा अभी क्या है पहले ये इधर से सब ऐसे ही मकान थे अच्छा बिल्डिंग बिल्कुल नहीं दिखती थी अच्छा अभी 15 साल पहले आपको बिल्डिंग इधर नहीं दिखती थी अच्छा 15 साल में इतना बिल्डिंग बन गई है कि बात मत पूछो। हाँ मतलब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ये जो मेन केनिया की जो नैरोबी सिटी यहाँ बहुत बड़ी बड़ी पहले इतना नहीं साल में जब आया तब इतना ठंडा कूल वातावरण था मजा आते बहुत घूमने जाओ आप किधर भी जाओ ग्रीनरी दिखती थी अच्छा आज इतनी ग्रीनरी नहीं दिखती है मतलब इस हिसाब से हमें रहे तो आगे हमारे लिए जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी और जो पानी जो 24 घंटे आता था सप्लाई करती थी गवर्नमेंट वगैरह उसको बंद इसलिए कर दिया होगा हो सकता है यहाँ पर पानी की शॉर्टेज होने वाली हो जो शॉर्टेज हो पानी की के बारिश कम होने लगी है ना अभी पहले जब रोज बारिश आनी है तो 3 बजे तो एक बार तो बारिश आनी 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 ही है अच्छा
हर रोज। वो दिन में तीन क्लाइमेट बदलती थी इधर, तीन सुबह में उठो तो थोड़ा धूप निकलता है, 10-12 बजे तक धूप रहता है, ठंड रहती है थोड़ा बहुत, फिर 12 बजे के बाद थोड़ा धूप पकता है तो क्या है कि बारिश आती है 2-3 बजे, फिर रात को थोड़ी ठंड हो जाती है। अभी यहाँ जो पानी आता है सप्लाई, वो क्या है मतलब बोरवेल जो गवर्नमेंट के कोई बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं वो बने हुए हैं या कोई डैम बना हुआ वहाँ से? डैम से आता है। अच्छा, पानी वहाँ से डैम से आता है। तो यहाँ पर अब जैसे इंडिया में देश हो गया अलग तरह की मतलब डिजीज है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल कैजुअल जो यदि कोई बीमारी है तो वो कौन सी है जो अधिकतर लगती रहती है लोगों को? इधर बीमारी तो इतनी कोई खास नहीं है, जो सर्दी जुकाम होता है वही होता है, बाकी इतनी बीमारी कोई तो नहीं। इंडिया से जब अफ्रीका आते हैं तो येलो फीवर का टीका लगवाते हैं, वो क्यों तो क्या है? क्या है टीका? येलो फीवर अपने को इंडिया में चाहिए, इधर नहीं चाहिए। अच्छा, तो अभी इधर आने के टाइम येलो फीवर गवर्नमेंट मांगते है इसलिए सब टीका लगा के आते है, पहले नहीं था। अच्छा, मतलब है यहाँ का कोई जो बीमारी मलेरिया वगैरह है वहाँ नहीं जाए इसलिए? यहाँ पर मैंने सुना है मलेरिया बहुत ज्यादा है यहाँ पर। मलेरिया तो नहीं है, ये लोग क्या है अभी थोड़ा बहुत भूखा आता है कारण अफ्रीकन लोग ज्यादा तो बोलते हमको मलेरिया हो गया, मलेरिया इतना नहीं होता है। अच्छा, भूखा तो सबको आता है तो इतना बीमारी इधर कुछ नहीं है इतनी। पहले जो युगांडा बेन इबोला करते था वो जो मरते थे आदमी लोग अपने कोंगो साइड था, वायरस था वो तो वो भयंकर उत्पाद मचा। इधर जैसे अभी इधर से बीमारी केनिया से बीमारी कोई नहीं निकली है अभी तक। अब जैसे इधर की क्लाइमेट वर्ल्ड वाइज जाओ किधर भी नहीं मिले अभी भी। अच्छा, इधर से क्लाइमेट है ऐसी क्लाइमेट किधर भी जाओ नहीं मिलेगी। और एक मैं ये बोल रहा, अब जैसे कोरोना आया तो यहाँ पर काफी लोगों की अब जैसे इंडिया में जाने गई काफी जगह गई, हम टीवी देखते हैं वहाँ पर चाइना में इतना वो हैपन द कैजुअलिटी, सो यहाँ पर भी ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, यहाँ पर इतना कोरोना में इतना नहीं हुआ, मरे है आदमी इतना नहीं मरे। अच्छा, बहुत कम मरे, इतना भी नहीं मरे। मतलब ज्यादा यहाँ का जो यहाँ से वैसे भी हमारे अफ्रीकन लोग ने सब देखा थे सब डिसिप्लिन, कोई ऐसा नहीं है कि आज जो हम बोलते हैं कि नहीं करना है तो नहीं करते लोग, डिसिप्लिन करते हैं लोग। नहीं, यहाँ पर जो पेड़ पौधे तो हमने जैसे हम कुछ ये गवर्नमेंट की क्रिसमस में भी गई मतलब वहाँ पर काफी जगह, तो वहाँ पर तो पौधे तो बहुत ज्यादा लगाए हैं, पौधे तो लगाते हैं क्या फिर कभी इधर अभी थोड़ा है ना अपना कि भाई 1 बिलियन पौधों को इन्होंने लगाने का है, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। लगाना ही पड़ेगा क्योंकि अभी नहीं लगाएंगे तो अगले 5 सालों में बारिश भी नहीं होगी, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, मैं बारिश बहुत कम हो गई है इधर, पहले बहुत ज्यादा बारिश होती थी अभी उसका लेवल बारिश कम हो गया और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग। तो अभी आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, जैसा हम इंडिया से यहाँ आए हैं भाई इस चीज को लेकर के यहाँ पर इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस है वो भी करेंगे, काफी लोगों को इनवाइट किया, अब आपके हिसाब से जो लोग हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सच में तो ऐसा है कि अपन जो जो जिसको इसमें इंटरेस्ट है वो सब लोग जा सकते, इधर से तो बहुत लोग जाते हैं, स्कूल से भी लेके जाते हैं पौधा बोलने के लिए, फिर कम्युनिटी वाइज RSS है, फिर हिंदू काउंसिल वाले है, सब लोग जाते हैं पौधा बोलने के लिए। अच्छा, और इधर स्कूल में से लेके जाते हैं बच्चों लोग को। नहीं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों को झाड़ तो उगाना ही चाहिए, वो तो सबके लिए अच्छा है, जो झाड़ नहीं उगाएगा तो अपने को हवामान भी में फर्क पड़ जाएगा, फिर सांस लेने में भी तकलीफ होगी सब लोग को। जी, आपका नाम? मुकेश।
दोस्तों अभी हमने बात की थी मुकेश जी थे, आपको कैसा लगा उसकी प्रतिक्रिया दीजिए। लेकिन उन्होंने भी कहा कि कितना क्लाइमेट चेंज हो गया है, ये यहाँ पर 35 साल पहले आए थे और अब और वहाँ में बहुत सारा डिफरेंट हो गया है, और यही चीज़ या हालत आगे रही यदि क्लाइमेट को लेकर के हम ज़्यादा सजग नहीं हुए तो आने वाले समय में बहुत भयंकर समय। बहुत टाइम से रह रहे हैं तो यहाँ पर इनसे ये भी जानेंगे कि यहाँ का क्राइम कैसा है, महिलाओं के साथ व्यवहार कैसा होता है, इंडियंस के साथ कैसा है। तो यहाँ पर जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि भाई महिलाओं के साथ भी अत्याचार होता है, वहाँ पर क्राइम का ग्राफ भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या है, अपन एशियन लेडी आजकल अफ्रीकन ड्राइवर होता है, उसको किधर भी जाना है वो सब लेके जाते, बच्चे लोग को स्कूल छोड़ते, स्कूल से लेके आते, कुछ काम करना है सब कुछ करवाते। आज किधर भी लेडी को ड्राइवर को साथ भेजनी हो तो फ़ोन करके बोल दो कि इधर उधर जाना है, सब जगह पे लेके जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ना आज तक एशियन लेडी के साथ कुछ नहीं हुआ है अपने। अच्छा, इतना मतलब यहाँ से तो ऐसा कब कब ये जैसे हाँ एलोक में होता है, एलोक की कम्युनिटी में होता है, पर इतना इधर क्राइम है ही नहीं, वो जो लड़की के साथ वसूली की कर इतना। अच्छा, नहीं, नहीं। और बाकी जैसे कि भाई ऐसा तब देखो कि भाई चोरी है, चकारी है, छीना तो, वो तो इंडिया वो में हर तो जगह पे होती है, इधर भी होती है, क्योंकि आज आजकल अपन को मिलता नहीं है, खाना नहीं मिलता है, तो बेचारा खाना के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज कुछ भी कर सकते हैं, वो है। आज तो मेरे को खाना नहीं मिलता तो मैं किधर से खाना तो लाऊंगा। हाँ। पहले थी इतनी चोरी डर था, ऐसा नहीं, इधर भी डर था, सब लोग को था, पर अभी इतना कुछ नहीं है, आज 15-20 साल से कुछ नहीं है इधर। हाँ, मतलब ये है कि अब जैसे इंडिया में कभी ये जो गोरे आते हैं इनके साथ भी अपन देखते हैं। हाँ, ये लोग को भी साथ भी बदसलूकी हो जाती है, तो ऐसा यहाँ पर एशियंस भी इंडियंस के साथ इस बार नहीं, इतना बदसलूकी नहीं हुई। हाँ, हो जाती है, लूटफाट होती है, वो तो हर जगह पे होती है, लूटफाट तो आज कौन सी, लंदन में जाओ तो उधर भी होती है, इधर भी होती है लूटफाट, आज अमेरिका में जाओ तो गोली बारू मारता है, सब लोग को मार देते हैं। तो है, इधर भी, इधर क्या है, पहले था थोड़ा बहुत क्राइम, अभी इतना नहीं है। हाँ, तो हो सकता है गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल्स बढ़ा दिए हो गए और उस हिसाब से क्या है कि क्राइम करने से रोक। हाँ, मार जो कि प्रेसिडेंट आया था कि बाकी कर, उसके बाद हम इधर बहुत अच्छा हो गया। और अभी जैसे ये काफी, ये जो केनिया है काफी डेवलप हुआ है, अभी लास्ट 15 साल में डेवलप बहुत हुआ है, बहुत डेवलप हुआ है। यहाँ पर हमने देखे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, हाँ हॉस्पिटल्स है, एजुकेशन सेंटर, तीन बड़ी हॉस्पिटल है अपनी, एमपी शाह हॉस्पिटल है, आगा खान हॉस्पिटल है, नैरोबी हॉस्पिटल है, फिर अभी तो पहले जो नैरोबी वेस्ट हॉस्पिटल बोलते हैं, पहले इधर बोन मैरो का नहीं था, अभी वो भी आ गया है। और एक चीज यहाँ देखा है कि जो महंगाई का स्तर है वो यहाँ पर बहुत हाई लेवल का है, वो मैंने वो हिसाब देखिए, महंगाई के हिसाब से तो इधर से महंगे, पहले से के हिसाब से इधर महंगाई अभी बढ़ी है। पहले हम जब मैं पहले हम ब्रेड लेते थे, 2 शिलिंग में आधा किलो ब्रेड मिलता था, 2-2.5 शिलिंग में, अभी 60 शिलिंग हुआ है, 60 शिलिंग। अब मैं क्या है कि अभी मैं सुपरमार्केट से एक क्या है कि रेजर ले रहा है, रेजर ले गया जो इंडिया में 16-17 रुपए वाला, वहां पर 120 रुपए लगे मेरे को। आज तो आज क्योंकि आज बाहर से सब आता है इधर, यहाँ पर ये चीज जो खाने पीने की है वो इतना हाई कैसे, वो पहले से ही हाई है। अच्छा, पहले से ही है, पहले क्या, अभी थोड़ा जैसे जैसे दिन बढ़ जाते आते हैं फिर उसके प्राइस बढ़ते चले जाते हैं, पर इधर पहले इतनी बिजनेस भी अच्छा था सब जगह। अच्छा अच्छा, आदमी लोग का इधर सकती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, आपको ये वीडियो का लगा कैसे उसके लिए आप शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो, और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।